सीबी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, क्या कहेंगे ये आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब सामने आया है? ये तो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है जी। और ये ऐसी आशा भी की जा रही थी, क्योंकि जो दौरान बहस जो बातें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से जो तर्क उठाए जा रहे थे दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, जी, तो उससे लगता था कि ये जो 370 का केंद्र सरकार का फैसला है उसके पक्ष में ये फैसला जाएगा। क्योंकि देखिए, कश्मीर को ये कहना कि वो भारत का अंग नहीं है और संविधान से अलग, अन्य राज्यों से अलग उसकी हैसियत है, ये तो शुरू से ही देश के लोगों ने कभी स्वीकार किया नहीं। और कानून भी उसके हिसाब, संविधान भी उसी के अनुसार बना था, क्योंकि जब संविधान बना था उस समय तो उसको अलग किया नहीं गया, बाद में इस चीजों को अलग करके उसको जोड़ा गया। तो संविधान निर्माताओं की भी यही मनसा थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे अभिन्न अंग रहना चाहिए। उसी चीज को जो संविधान निर्माताओं की सोच थी, जो संविधान निर्माता चाहते थे, जो भारत देश के लोग चाहते थे, वहां के लोगों ने भी भारत के लिए लड़ाई लड़ी, वहां भी आजादी की लड़ाई लड़ी, तो वो तो भारत का अंग था ही। तो ये बीच में एक, मैं समझ ली, आर्टिफिशियल दबाव में, प्रेशर में राजनीतिक लोगों ने कश्मीर को अलग किया था, उसकी अलग हैसियत बनाई थी, तो वो तो गलत था ही, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दिया और ये बहुत स्वागत योग्य है, जिसको पूरा देश आज, मैं समझता हूँ, बहुत खुश हुआ होगा। जी बिल्कुल। और तमाम कहा जाए कि जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से दलीलें दी गई थी, इसको असंवैधानिक बताया गया था। नहीं, कभी संवैधानिक को बात ही बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ना जी, कि जो संविधान जब बना, संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से कश्मीर को भी भारत का अंग बनाया, तो उसका एक्सेप्शन तो बाद में लोगों ने किया ना जी, और सिर्फ वो राजनीतिक दबाव के नाते किया, चाहे उसमें देश के जो प्रधानमंत्री हो, देश का उसमें जो नेता हो, या उस समय देश के कश्मीर के जो नेता हो, उन लोगों के दबाव में तो ऐसा किया गया ना। तो संविधान के निर्माताओं या भारत के लोगों की मनसा के अनुरूप नहीं था वो, तो इसलिए वो कैसे कैसे कह सकते हैं आप कि वो संविधान के खिलाफ था और संविधान के विपरीत था, तो ये गलत तर्क था। और ये बिल्कुल लग रहा था सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे जी, उसका असंतोषजनक उत्तर विपक्ष वो याचिकाकर्ता नहीं दे पा रहे थे, तो सिर्फ जबरदस्ती के राजनीतिक कारणों से वो कुछ लोगों के राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए अलग कश्मीर रहे, ये तो देश नहीं मानेगा, संविधान भी नहीं मानेगा, तो ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ और मैं तो समझता हूँ कि आज पूरा देश बहुत खुश होगा। जी, आपको आपको लगता है सर कि ये पूरा जो कहा जाए कि जो याचिका ही दाखिल की गई थी इस पूरे मामले में, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी? ये पूरा है कश्मीर का मामला ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड था जी, तो इसलिए जब तक चल रहा था तो चल रहा था, जैसे ही इस पर ये फैसला हुआ तो वो जो लोग पहले से इंटरेस्टेड थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे जी, वही लोग फिर इसमें आगे आ गए और उन्होंने याचिका दाखिल करके कोशिश की कि शायद यहाँ से न हो पावे तो हम लोग न्यायालय से करवा लें। लेकिन न्यायालय ऐसा जो भी करेगा वो देश के, हम ही नहीं कहेंगे कानून के हिसाब से, देश के कानून का वही संविधान का रूप ही करेगा, और संविधान क्या है, वो क्या व्याख्या उसकी, उसके लिए जब जानना हो रहा है तो संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बात उठाई जाती है, जो बात कही जाती है, उसका आधार लेकर फैसला किया जाता है और उससे निकाला जाता है कि क्या मंशा है संविधान के प्राविधानों का, और उससे साफ लग रहा था कि ये संविधान के प्राविधानों का मंशा यही है कि भारत तो उसका अंग है, और इसीलिए देखिए पीओके को भी हमेशा भारत का ही अंग मान के उसको आज भी चल रहा है, अभी लोकसभा में बिल पास आया तो पीओके को भी स्थान दिया गया है इसी में, तो मैं समझता हूँ कि इससे एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और पीओके भी अब जल्दी भारत में आ ही जाएगा। इससे गृहमंत्री अमित शाह ने भी जो है वो कह दिया है कि वहां की जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीबी पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे दर्शकों के साथ